कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हर सप्ताह एक विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उस पर आपको पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं, जिससे ना सिर्फ जो हमारे किसान हैं वो योजना की अगर बात की जा रही है, तकनीक की बात की जा रही है या कोई मिशन की बात है तो उसकी जानकारी उनको हो सके, साथ ही वो जागरूक हो सके और कैसे अलग अलग अगर हम योजनाओं की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, हमारे किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, इस पर पूरी आपको जानकारी दी जाती है। आज भी एक बेहद खास विषय को लेकर हाजिर हुए हैं हम। आज हम बात करेंगे पाम ऑयल मिशन की और इसको लेकर अलग अलग तरह की जो भ्रांतियाँ हैं और उसके तहत क्या समाधान हो सकता है अगर कुछ समस्या आती है, तो सारे ये जानकारी जो है आज आपको दी जाएगी। लेकिन पाम ऑयल को लेकर जिस तरीके से हमने आपको बताया, कई तरह की जो भ्रांतियां हैं, ना सिर्फ उनकी हकीकत जो है वो जानना ज़रूरी है, किस तरीके से जो एक सही जानकारी है, सटीक जानकारी है वो आप तक पहुंचे और कैसे सरकार प्रयास कर रही है जो हमारा पाम ऑयल मिशन है इसको और गति देने की। अलग ही रफ्तार से ये मिशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे और ज़्यादा फ़ायदा इसके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाएगा, इस बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ आज स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विपुल कुमार श्रीवास्तव जी, आप डिप्टी कमिश्नर हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम बारिक जी, आप नेशनल कंसल्टेंट हैं ऑयल पाम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। नमस्कार। और आपको बता दें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च से हमारे साथ डायरेक्टर जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रवि जी। तो इनसे भी हम यहाँ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से देखिए जो हमारा संस्थान है IOPR की अगर बात की जाए किस तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की खपत होती है, हमारे यहाँ पाम ऑयल का आयात किया जाता है। ऐसे में आयात पर आने वाले खर्च को कम करने और देश में ही इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार की ओर से पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए कुल 11,040 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया है, जिसमें से 8,844 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए का खर्च राज्यों को उठाना होगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाम की खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए पहले ताड़ के बीज से पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। दक्षिण भारत पाम ऑयल के उत्पादन में देश में सबसे आगे है। देश में होने वाले पाम ऑयल के कुल उत्पादन का करीब 95% उत्पादन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में ताड़ की खेती को बढ़ावा देने पर भी खास जोर है। इसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार कंपनियों को अपने संबंधित राज्यों में ताड़ के पौधों के लिए नर्सरी और फलों से तेल निकालने वाली मिलों को स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री ने आयात में कटौती करने और भारत के घरेलू खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे पाम तेल आयात पर अतिरिक्त कर की घोषणा की थी। पाम की खेती और पाम ऑयल का उत्पादन फायदे का सौदा है। अन्य तिलहनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा एक हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन तेल निकलता है। इस तरह इसकी खेती में काफी संभावनाएं मौजूद है। एक एकड़ में ताड़ की खेती करने के लिए करीब 50,000 तक का खर्च आता है, जबकि इससे साल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। हालांकि ये रकम बाजार भाव पर निर्भर करती है। एक बार खेती करने पर 30 साल तक पाम के पेड़ों से फल मिलते रहते हैं, इस कारण ये फायदे का सौदा माना जाता है। पाम की खेती का पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़ता, साथ ही पाम की खेती करने के लिए जंगल को भी काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि खाली पड़ी जमीन पर भी इसकी खेती की जा सकती है।
तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है और पाम ऑयल को एक मिशन मोड में पहले लाया गया, उसके लिए बाकायदा आपने देखा कितनी बड़ी जो धनराशि है उसका प्रावधान रखा गया और कोशिश ये की जा रही है कि खासतौर से ना सिर्फ हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर और ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दिया जाए या पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अगर बात की जाए। इस स्थिति में सबसे पहले डॉक्टर विपुल आपसे हम जानना चाहेंगे, हमने देखा कि अपनी इस रिपोर्ट में भी दर्शकों को दिखाया किस तरीके से 11,040 करोड़ रुपये का एक पूरा एक मिशन बोर्ड के लिए हमने देखा सरकार ने रखा है, किस तरीके से जो कार्य है वो आगे होंगे। भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम पर एक योजना जिसका कुल राशि जो है सो 11,040 रुपये है। इस योजना का प्रारंभ 2021-22 से किया गया है और ये तीव्र गति से अपने आगे की ओर बढ़ रही है। अभी जो वर्तमान में उनकी कार्य जो वार्षिक कार्य है वो जो है सो 104 करोड़ के आसपास अनुमोदित सरकार ने कर दिया है। जी लगातार देखिए उसको बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से बढ़ावा हमारी सरकार दे रही है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ अड़चनें जो हैं वो ज़रूर सरकार के सामने भी आती हैं, चुनौतियां भी रहती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अनुपम आपसे हम जानना चाहेंगे, सरकार ने एक सकारात्मक दिशा में कदम लिया, पाम ऑयल मिशन को मिशन मोड में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं शुरू किया गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ भ्रांतियाँ जुड़ चलीं, इनको किस तरीके से अब धीरे धीरे खत्म करने की जो कवायद है और जानकारी जो सटीक जानकारी कैसे किसानों तक पहुँचाई जा रही है। सब मालूम है कि हमारा देश में खाद्य तेल का काफ़ी कमियां आती है और उसको भरपाई करने के लिए ये राष्ट्रीय जो नया मिशन हम लोग लॉन्च किया है भारत सरकार ने, इस मिशन के अंदर अन्न खाद्य तेल बीज के साथ साथ पाम ऑयल को भी सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है जी। क्योंकि एक हेक्टर पाम ऑयल के खेती से हम लोग करीब 4 टन तेल पाते हैं जी। तो पाम ऑयल सबसे ज़्यादा तेल बने पौधा है और खाद्य तेल वाले में जी। तो इस तेल का थोड़ा सा आपने जैसे बोला कि कुछ भ्रम है कि ये तेल खाने में ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए हैजरस है, ऐसा नहीं है। पाम ऑयल भी WHO और ICRMR के माध्यम से मान्यता प्राप्त तेल है जो खाने के लिए कोई शरीर में हानिकारक कुछ नहीं आते हैं जी। यानी सर्टिफाइड है पूरी तरीके से, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है जी। लेकिन और ये जो जैसा आपने कहा कि कुछ भ्रांतियां जो हैं जुड़ जाती हैं, कैसे इनको हल करने के लिए इनका समाधान जो है सही जानकारी जो है वो किसानों को दी जा रही है। देखिए सही जानकारी के लिए ये मिशन का जैसे ही लॉन्च हुआ जी, अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर काफ़ी फोकस है। उधर 5 अक्टूबर को हम लोग का एक बिजनेस समिट भी हो गया जिसमें सारे किसान से ले कर सारे ब्यूरोक्रेट्स सारे अधिकारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सब आए थे। इस मिशन के अंदर क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, मिशन में क्या क्या नया योजनाएं लाया गया है फार्मर के लिए, वो सब विस्तारित हम लोग उधर डिस्कस करके आए हैं। उस हिसाब से जैसे विपुल जी ने बताया कि काफ़ी स्टेट्स इसको आगे लेने के लिए उन्होंने उनका एनुअल एक्शन प्लान ऑलरेडी सबमिट कर दिया और जो भारत सरकार ने ऑलरेडी उनको अप्रूव भी कर दिया और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स का भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के अंदर बाकी स्टेट का भी एक्शन प्लान हमारा पास आ जाएगा और वो भी धीरे धीरे अप्रूव हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए जो मिशन मोड में लिया गया है और उसके तहत एक्शन प्लान जो है अलग अलग राज्यों से अब सरकार को केंद्र सरकार को मिलने लगा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को, जिससे और ज्यादा फायदा जो है इसके जरिए हमारे किसानों को मिल सके। लेकिन इसमें अगर संभावनाओं की हम बात करते हैं या कैसे जो लाभ है इसके जरिए हमारा किसानों को बढ़ सकता है, इस पर भी लगातार देखिए अनुसंधान और शोध किए गए। इस बारे में डॉक्टर रवि आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं या सिर्फ ताड़ की अगर हम बात करें तो एक आमतौर पर किसान यही सोचता है कि इसके जरिए उन्हें क्या फायदा हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं इसमें। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार ने तेल ताड़ के काफी बढ़ावा देने का जो प्रोग्राम बनाया है और जहां तक है जो टोटल एरिया की बात है करीब 28 लाख हेक्टर एरिया भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है जी। हमारे संस्था इसके अंदर जो साइंटिफिक मैपिंग करके और जो एक बड़ी कमिटी का जो विजिट करवा के हमने ये एरिया आइडेंटिफाई किया है। जो भ्रांतियाँ रहती है जनरली कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, ये अंडरग्राउंड पानी को ख़त्म कर देगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके अंदर मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो फार्मर्स के क्रॉप है जैसा मलेशिया इंडोनेशिया हम देखते हैं वहाँ पर है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके और फिर ऑयल पाम लगाते हैं। लेकिन अगर अपन भारत की बात करते हैं तो हम लोग हमारे यहाँ पर किसानों की फसल है और हम जो ऑलरेडी कल्टिवेटेड एरिया है उसी के अंदर ऑयल पाम को लगा रहे हैं तो इसमें कहीं एनवायरमेंट का अफेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा आता है कि इसको तो पानी बहुत चाहिए, इसको पानी बहुत नहीं चाहिए,
लेकिन इसको लगातार पूरे साल पानी चाहिए, ये बात है जी। अगर आप जो पैटी से शुगर केन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट करीब आधा या उससे 1/3 है जी। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसका रूट सिस्टम जो है वो 1.5 से 2 फीट होता है, वैसा भी नहीं है कि नीचे जो डीप रूटेड है और वहां से पानी को जो सबसॉइल पानी को एग्जॉस्ट करता है, तो ये सारी भ्रांतियां रहती है। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम का काफी एरिया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो ये एक तरह से मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अब ठीक है, ये फॉरेस्ट स्पीसी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप जो इसका व्यू लेते हैं तो ये एक जो मिनी फॉरेस्ट, छोटे छोटे फॉरेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं इन कल्टिवेटेड लैंड, जो कि जो ओवर द ईयर्स कभी पैडी लगा के कुछ फसल लगा के जिसको लिया गया है उस जमीन के अंदर हम ऑयल पाम लगा रहे हैं और उससे जो मिनी फॉरेस्ट तैयार हो रहा है। और अगर आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, इसमें तो इतना कार्बन आप जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी कोई खराब नहीं है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो ये कार्बन फुटप्रिंट इट इज वेरी लो लेवल। अगर आप कंपेयर करते हैं इसको सोयाबीन से या कैनोला से या डीजल से, तो ये तो जो कार्बन है जो इसमें जो फुटप्रिंट बहुत ही कम है। तो इस टाइप की भ्रांतियां हैं जो कि इधर उधर है, जो इंटरनेट सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। लेकिन भारत का जहां तक सवाल है, भारत में ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है और हम लोग जो आजकल क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं, मिक्स फार्म सिस्टम की बात करते हैं जिसमें दूसरी फसल भी इसके बीच में लगाई जा सकती है। इस इंस्टीट्यूट ने काफी टेक्नोलॉजी बारे में बाहर निकाल दिया हमने जी, उस तकनीक के बारे में भी डॉक्टर रवि आपसे मैं जानकारी लूंगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि इको फ्रेंडली इसको हम मान सकते हैं और अब इसको हम शायद डॉक्टर बिपुल कोशिश कर रहे हैं फार्मर फ्रेंडली बनाने के लिए। डॉक्टर साहब के बातों को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए ये बतलाना चाहता हूँ जी कि ये जो जल अधिक आवश्यकता होती है इस पाम ऑयल की खेती के लिए, इस संदर्भ में बिल्कुल सही आकलन डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप गन्ना की खेती करते हैं तो एक हेक्टेयर में 130 से 140 लाख लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार चावल की यदि खेती करते हैं, जो बहुत सामान्य फसल है किसान भाई करते हैं, उसमें जो है सो 330 से 340 लाख लीटर पर हेक्टेयर का चावल और चावल के पद्धति पर और खेती करते हैं। तो इस तरह तो आप अगर ऑयल पाम की खेती करते हैं तो उसमें 70 लाख या 65 से 70 लाख टन जो है सो केवल आपको पानी की आवश्यकता होती है, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि ये जो पानी की आवश्यकता है इसको इस योजना के तहत कम यूज हो, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स और प्रावधान इस योजना के तहत किए हैं। वो योजना के प्रावधान ये है कि एक ड्रिप इरिगेशन इज द माइक्रो सोर्सेज इफिशियंट सोर्सेज और जो है सो ये आपको जो है सो कम पानी में अधिक हो जाता है जी बिल्कुल। एक, एक, एक थोड़ा सा और भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक हेक्टेयर में केवल 143 पौधे लगाए जाते हैं, तो 143 पौधों को ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करना आसान है जी। नॉर्थ ईस्ट का जहाँ तक प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट में जून जुलाई से लेकर नवम्बर दिसंबर तक बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, जिस समय जो भूमि जल है उसका दोहन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका सदुपयोग यानी किया जा सकता है। और अतिरिक्त जो बारिश हुई है उसको जो है सो वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से, जैसे पॉन्ड बनाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर वाटर कंजर्वेशन उसको संरक्षित किया जा सकता है, फिर दिसंबर के बाद जो है सो मार्च उर्स तक जो है सो उसकी आवश्यकता को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम किसानों को ये सुविधा इस योजना के तहत उपलब्ध कराते हैं जी बिल्कुल। यहाँ अनुपम जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया कि पानी को लेकर एक जो भ्रांति है वो किसानों के बीच पहले नजर आई और अलग अलग फसलों को अगर देखा जाए तो अमूमन ज्यादा पानी जो है वो दूसरी फसलों में शायद उपयोग हो जाता है, ऐसी स्थिति में आवश्यक भी है क्योंकि ना सिर्फ हमें पानी की बचत करनी है बल्कि उसके साथ साथ उसका बचाव यानी उसको संरक्षित हम कैसे कर सकते हैं ये जानकारी भी किसानों को पहुंचानी है। तो हम मान सकते हैं कि एक पंथ दो काज बात जो ही जाती है वो पाम ऑयल की खेती के साथ सही बैठती है। हाँ, ये बात सही है जी, क्योंकि इस मिशन के तरफ जैसे विपुल जी ने बताया कि ये सबसे जो भ्रम है कि पानी ज्यादा जाता है, लेकिन कंपेयर टू अदर क्रॉप पानी तो कम ही लगता है, लेकिन फिर भी
ऑयल पाम जहां भी प्रमोट किया जाएगा वहां सबसे ज्यादा ड्रीप इरिगेशन को हम लोग प्राधान्य दिया है जी। सबसे ज्यादा कि ड्रीप के माध्यम से ही ऑयल पाम को जी। तो इसी तरह से हम लोग काफी फंड प्रोविजन भी रखा गया है कि ड्रीप इरिगेशन हर खेत में नया प्लांटेशन खास करके जहां नया प्लांटेशन होगा उधर ड्रीप इरिगेशन कंपलसरी ना हो लेकिन कोशिश किया जाएगा कि ड्रीप इरिगेशन को उधर लगाया जाए और बढ़ावा दिया जा सके। खासतौर से जो तकनीकी है डॉक्टर विपुल वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस स्थिति में और जैसा यहाँ अनुपम जी ने भी हमें बताया कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और किस तरीके से कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि बानवाल मिशन से जुड़ी हैं जी। आपका जो प्रश्न जो है सो थोड़ा लाजमी है। ये जो भ्रांतियाँ जल के साथ साथ केवल जल जलवायु और जल का जो है तालमेल जी वो तालमेल जो है सो सॉइल के हेल्थ से है। जो माइक्रोफोना और माइक्रोफ्लोरा है जो रेयर मिलते हैं उसके भी लुप्त तो होने की जो भ्रांतियाँ फैलाए जा रही है इस संदर्भ में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ऑयल पाम की खेती से खेत के अंदर और खेत के बाहर से दोनों स्रोतों से जो है सो इतना ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है जिसकी कल्पना हम बहुत अन्य फसलों से नहीं कर सकते हैं। कार्बन सीक्वेंस के बारे में डॉक्टर माथुर ने आपको बताया वो साइंटिफिक टर्म उन्होंने यूज किया है। मैं इसको बतलाना चाहता हूं कि जैसे पत्ते का झरना फूल का झरना और वो सभी जो है सो मिट्टी के अंदर समावेशित होते हैं और जिससे सॉइल का हेल्थ बढ़ता है। खेत से बाहर जब जाएंगे तो FFB का जो प्रोसेसिंग होता है तो करीब 60% जो है सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जो बाद में वर्मी कंपोस्ट और अन्य माध्यमों से खेत में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और इट इज ए रिच सोर्स ऑफ द बायोमासेस फॉर द फील्ड जी। बिल्कुल देखिए यानी वन से भी जो फायदा आपको किस तरीके से मिल सकता है आवश्यकता है तो सिर्फ जो जानकारी है उसको जानने की। यहाँ डॉक्टर रवि आपका रुख हम करना चाहेंगे। अभी जो हमारे यहाँ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उन्होंने बताया किस तरीके से जो भ्रांतियाँ हैं लेकिन बतौर वैज्ञानिक आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसानों को ये भी कोशिश की जा रही है कि जो उसका वैज्ञानिक आधार है वो भी बतलाया जाए। इसका वैज्ञानिक आधार ये रहता है कि जैसे 9 मीटर की स्पेसिंग पर लगाया जाता है और जैसे जो बारिक साहब ने भी बताया कि जो इसको ड्रिप इरिगेशन पर लगा रहे हैं। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया है इस इंस्टीट्यूट ने एक फर्टिगेशन टेक्निक हमने फार्मर को दे दी। ड्रिप इरिगेशन ऑलरेडी लगाया हुआ है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जी। सिर्फ एक वेंचुरी लेके 5,000 रुपया खर्चा किया एक और जो वेंचुरी लगा दिया फर्टिलाइजर भी आप जो थ्रू ड्रिप दे रहे हैं तो इससे जो आपका जो फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है जो 1200 600 और 1200 NPK की रिक्वायरमेंट है वो आधी हो जाती है। ये आधी नहीं हो जाती है बल्कि जो इसका जो यूटिलाइजेशन है नाइट्रोजन यूज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वो भी काफी जाती है। तो इस टाइप से हमने हमारी टेक्नोलॉजी ने ये फार्मर को फायदा पहुंचाया। इसमें आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी नहीं तो आप मैनुअली देते हो और उसके बाद में उसका रैकिंग करते हो इरिगेशन देते हो सब कुछ तो उसमें आपको लेबर लगता है। आपने ड्रिप के थ्रू दे दिया आराम से पानी पहुंच गया पानी के साथ फर्टिलाइजर भी पहुंच गया और इसका यूटिलाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो गया जी। इसके साथ साथ अगर आप उपज में देखते हैं तो करीब 28 से 30% उपज बढ़ जाती है। तो आप ओवरऑल फायदा अगर देखते हैं तो हमने फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट आधा कर दिया आपकी उपज 30% बढ़ा दिया है जी। और इसके साथ साथ जो पानी बच गया है जो पानी बच गया है जो खाद बच गया है उसको आप इंटरक्रॉप में यूज कर लीजिए जी। तो इसका तो बहुत ही बढ़िया रिसोर्स यूज एफिशिएंसी का अगर कोई नेशनल लेवल पर मॉडल है तो ये ऑयल पाम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपका जो पूरा है जो एनवायरमेंट एज ए होल सॉइल माइक्रोफ्लोरा एज ए होल उसका पूरा एज ए ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो अलग हमने इंटरक्रॉपिंग मॉडल 25 मॉडल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप्स के हैं। मान लो जैसे जो काली मिर्च है लॉन्ग पेपर है जी, हल्दी है अदरक है जी, और कुछ फॉरिंग प्लांट्स है तो ये सारे है जो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप्स है और इसका भी है जो मार्केट वैल्यू चेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये सारा हम अगर नॉर्थ ईस्ट में भी या जो आंध्रा इधर भी करते हैं तो फार्मर को और ज्यादा इसका जो क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच है डबलिंग इनकम की बात नहीं करिए डबलिंग से भी ज्यादा इनकम
होने की पूरी है जो संभावना है। तो ना सिर्फ दोगुना बल्कि और भी ज्यादा मुनाफा जो है इसके जरिए किसानों को मिल सकता है। लेकिन विपुल जी, जैसा अभी रवि जी हमें बता रहे थे कि ना सिर्फ अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की हम बात करते हैं, राज्यों की उनकी बात की जाए, और दक्षिण भारत में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जो किसान है वो बढ़ चढ़ कर इसकी खेती भी कर रहे हैं, लेकिन क्या संभावनाएं हैं जो हमारे देश के दूसरे हिस्से हैं वहाँ भी इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सके? बिल्कुल सही है। जो हम लोगों ने एक बिजनेस समिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया था जी, उस दौरान हम लोगों ने देश के तमाम राज्यों से जो अग्रणी किसान हैं उनको भी आमंत्रित किया था। उसमें से आंध्र प्रदेश के एक किसान ने एक कहावत के रूप में बोला था कि यदि आप इस बच्चे को 3 साल तक ठीक से आलन पालन कर लेते हैं तो ये बच्चा आपको 30 साल तक जो है, आने वाले भविष्य के 30 साल तक आपका भरण पोषण करेगा जी। तो ये आल पाम की ये खूबसूरती है एक बात। दूसरे, इस योजना के तहत जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चरल लैंड को, वेस्ट लैंड को, पास्चर लैंड को और बैरन लैंड जो परे हुए हैं उसमें जो है सो इस कल्टीवेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नंबर जी, अगली बात यह है कि जो जल जो भूमि जल है, ऐसे जगह पर जहां पर कि जल का स्तर 20 मीटर से नीचे है, उन जगहों को हमने इस आयल पाम कल्टीवेशन के दायरे से बाहर रखा है, और जल का संरक्षण अधिक हो तो इसलिए विशेष प्रकार की छोटी छोटी जो है सो सहायता किसानों को दी गई थी, हाफ टेरेन जो स्लोप है जी, अगर वो स्लोप 20% से ज़्यादा है और हाफ टेरेन मून को अगर बनाया जाए तो उस स्लोप से जो है सो वाटर कंजर्वेशन और जो है सो वाटर लैंड का सॉयल का इरोजन भी रुक जाएगा। तो इस तरह की तमाम सहायता हैं जो भ्रांतियों को बिल्कुल सीधे सीधे जो है सो इनकार एक सिरे से खारिज देखिए कर सकती हैं, और आवश्यकता यही है कि हम पहले जाने समझे और फिर इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर स्तर पर आपके लिए योजनाएं ला रही है, आर्थिक मदद आपको पहुंचा रही है। आवश्यकता है तो सिर्फ इसको अपनाने की, आगे भी इस बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल मिशन को लेकर, और पाम ऑयल के साथ ना सिर्फ कुछ भ्रांतियां जुड़ी बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है ये जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं जो किसान हैं उनके पास पूरी सटीक जानकारी नहीं होती और वहीं से एक नई भ्रांति जो है वो शुरू हो जाती है। हमारे जो साथ आज विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग भ्रांतियां जो हैं ज़ाहिर तौर पर वो हमारे सामने नज़र आईं जब हमने पाम ऑयल मिशन की बात की। यहाँ अनुपम जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य के लिए अगर इसके इस्तेमाल की बात कही जाती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जो तेल की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है और उसी को अगर देखा जाए तो ये कह दिया जाता है कि शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, जबकि वो सर्टिफाइड है पहले से ही। इस दिशा में हमारे जो किसान हैं उनको क्या मदद मिल सकती है? नहीं देखिए, पाम ऑयल का खेती हम बढ़ावा दे रहे हैं तेल के लिए जी, और ये तेल मान्यता प्राप्त तेल है, WHO ICRMR का है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेल अगर कुछ खाया जाता है तो वो पाम ऑयल ही है जी। नॉट ओनली हमारा कंट्रीज, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, एशियस, चाइना, वो लोग भी बहुत पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑयल सिर्फ खाने के लिए नहीं है, वो बेकरी में, इंडस्ट्रियल यूज में भी, ब्लेंडिंग में पाम ऑयल काम में आता है जी। और ये पाम ऑयल का जो अगर हम लोग इसका स्टडी करें और देखें कि पाम ऑयल का जो तेल है ये सैचुरेटेड और मोनो सैचुरेटेड दोनों
का जो बैलेंस है वो 50-50 का बैलेंस में ही रखते हैं जी, करीब प्रोपोर्शनट सेम रहता है। और इससे जो हार्ट डिजीज है वो प्रिवेंट होता है, एक कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है जी, फ्री कोलेस्ट्रॉल में, और एक जो ब्लैक कोलेस्ट्रॉल है उसको न्यूट्रियल भी रखते हैं जी। तो पाम ऑयल का जो तेल है, ये जो भ्रम है कि ये खराब है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए जी, ताकि हम वर्ल्ड वाइड जो तेल यूज होता है हम ये तेल भी इंडिया में यूज करने के लिए, क्योंकि हमारा खाद्य का तेल का बहुत कमियां है, उस कमियां का पूर्ण करने के लिए पाम ऑयल का तेल उत्पादन करना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं जी, बिल्कुल। जो चीज हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं वो चीज अगर हम देश में ही बना लेते हैं वो सबसे बेहतर रहेगा, सस्ता भी पड़ेगा और बेहतर रहेगा। इसी हिसाब से पाम ऑयल का तेल बढ़ाने के लिए ये मिशन लाया गया जी, और उसका सीधा फायदा देखिए किसी और को नहीं बल्कि हमारे किसानों को मिल सकेगा, जो कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले सकेंगे। रवि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर अनुपम जी ने हमें बताया कि स्वास्थ्य के लिए कहें या फिर इसका जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उसी हिसाब से कुछ अलग अलग इसकी किस्में हैं जो विकसित की गई हैं? ऑयल पाम के लिए जो इस संस्था ने अभी है जो पिछले साल ही है जो तीन किस्में दी है जी, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा के लिए काफी अच्छी है जी। इसके साथ साथ अब जो कुछ है जो और हमारा एडवांस स्टेज पे टेस्टिंग चल रहा है, एक सीआरपी सिस्टम है, जो ड्वार्फ वेराइटी है, बोनी किस्में है, वो बोनी किस्में भी है जो इस संस्था ने जो डेवलप कर ली है, और हमने कुछ है जो लिमिटेड एरिया के लिए टेस्टिंग के लिए फार्मर्स फील्ड पे भी इसको अभी लगाया है जी। लेकिन इसके साथ साथ ये एसएपी सिस्टम में भी जो टेस्टिंग चल रहा है, तो अगले चार पांच साल में हम जरूर है जो बोनी किस्में, जो ड्वार्फ वैरायटी जो किसान मांग रहे हैं वो हम देने की जो स्टेज पर आ गए, बिल्कुल जो 15-20 साल की रिसर्च में हम लोग इस स्टेज पर आ गए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये नॉर्मली टाल ग्रोइंग जाता है, नॉर्मल ग्रोइंग जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल ग्रोइंग में भी हमने जो है 7-8 टन तेल प्रति हेक्टर प्रति साल की किस्में भी जो फार्मर के लिए निकालती है जी। और अगले 5-7 साल के लिए प्रोग्राम ये है कि जो हमें जो ऑल ऑयल यील्डिंग वैरायटीज इसमें जो निकाल सकते हैं 8-9 टन का जो प्रोडक्टिविटी है वो लेवल हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जरूरत अवेलेबल जी, बिल्कुल कई लक्ष्य हमारे सामने हैं रवि जी, लेकिन उन लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण यही कि खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर हो सकें। विपुल जी, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, ना सिर्फ खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बल्कि इसके साथ साथ पाम ऑयल की खेती का जो रकबा है वो भी बढ़ाने का एक लक्ष्य हमने रखा है, जिसके जरिए किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सके, कई उत्पाद जो हैं वो उसके जरिए तैयार किए जा रहे हैं, कैसे इन लक्ष्यों को हासिल हम कर पाएंगे, इसके लिए किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं? जी, इस योजना में जो है सो 6,50,000 हेक्टेयर 5 वर्षों के अंदर लक्ष्य निर्धारित किया गया है जी, और उसको 5 वर्षों में डिवाइड किया गया है, एक बात। दूसरी बात कि मैं क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, ये जो भूमि रकवा है जी, इस रकवा को रबर की तरह जो है सो लचीलापन इसमें नहीं है, वो फिक्स है, तो कल्टीवेबल लैंड हमारे पास फिक्स है, और इस ऑयल पाम के बढ़ावा देने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि एक हेक्टेयर जो 16 हेक्टेयर में जितना तेल हम सरसों, मूंगफली जी और सोयाबीन से ले सकते हैं, बाकी तलहनी उतना फसलों से। बाकी तलहनी फसलों से उतना केवल एक हेक्टेयर से हम ऑयल पाम से ले सकते हैं जी। तो अगर हम एनुअल क्रॉप्स के साथ साथ इसकी रकबा को बढ़ा देते हैं तो उनके एक हेक्टेयर के, उनके 16 हेक्टेयर के बराबर ये एक हेक्टेयर जो है सो ऑयल पाम से हम तेल का उत्पादन ले पाएंगे, और जो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और वो हमारा बिल्कुल जो है सो कम होता हुआ चला जाएगा जी। और ये तीव्र गति से कम होगा, ये जो है सो इतना ज्यादा तेल का, एडिबल ऑयल का जो उत्पादन किसी दूसरे स्रोत से संभव नहीं है जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ अनुपम जी, एक और फायदा मेरे को यहाँ नजर आता है, क्योंकि हम आज के समय में जलवायु परिवर्तन का भी असर देखते हैं हमारी फसलों पर, जो बाकी तिलहनी फसलें हैं हमारी, फिर चाहे सोयाबीन की बात करें, मूंगफली की बात की जाए या सरसों की बात करें, तो कहीं ना कहीं पाम ऑयल की जो खेती है वहाँ भी और ज्यादा फायदा देगी। हाँ, वो तो सही बात है कि क्योंकि पाम ऑयल का खेती जो
आईसीआर का जो माथुर साहब का इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पम्प रिसर्च, उन्होंने जो 28 लाख का पोटेंशियल एरिया दिखाया, उस एरिया में अगर हम नॉर्मल जो तैलो बीज का जो खेती बाड़ी होता है उस जगह में, उसमें पाम ऑयल को भी हम शामिल कर सकते हैं, सेम जगह में जहां सोयाबीन हो रहे हैं, जहां ग्राउंड नट हो रहे हैं, और उसी जगह में ही हम पाम ऑयल को भी लेके जा सकते हैं और तेल की मात्रा ज्यादा मिल सकती है, तेल की मात्रा ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे विपुल जी ने बताया कि अगर हम 6.5 लाख हेक्टर ऑयल पाम के अंदर ला सकते हैं पिछले अगले 5 साल में, तो ये कम से कम 160 लाख हेक्टर नॉर्मल ऑयल सीड के बराबर है। जी बिल्कुल, यानी बाकी देखिए जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनके मुकाबले किस तरीके से ये जो मिशन है जिस गति से आके बढ़ रहा है, तीव्र गति से, विपुल जी हमें बता रहे थे तीव्र गति से आके बढ़ रहा है, तो उस उतनी ही गति से हम मान सकते हैं जो उसके परिणाम हैं वो हमारे सामने आएंगे, फिर चाहे तेल की भी अगर हम बात करते हैं। रवि जी, आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो किस्में हैं वो विकसित की गई, और जो किस्में जब भी किसी फसल की आती हैं या किसी खेती की हम बात करते हैं तो बहुत समय इसमें लगता है, और जाहिर तौर पर आपने भी यहाँ जिक्र किया करीब 15 से 20 वर्ष का इसके लिए हमें समय लगा, लेकिन आने वाला जो समय है अगर हम 4 से 5 साल की भी बात करते हैं तो क्या ये रफ्तार आगे भी इसी हमें दिख पाएगी, यही रफ्तार? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। अगले 5 साल में हमने डीएससी के साथ मिलके 7 सीड गार्डन और लगाए हैं। जी, ये सीड गार्डन जो है वो 2025-26 तक है तो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, और उनसे जो प्रोडक्शन आएगा वो करीब 30 लाख जर्मिनेटेड सीड है जो एनुअल में हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो आपने देखिए कि जो अभी इंपोर्ट चल रहा है, इंपोर्ट ऑफ सीड, वो इंपोर्ट ऑफ सीड को भी हम जो काफी हद तक है जो कंट्रोल कर लेंगे। जी, और जितना डीएससी ने अभी फिर से प्लान किया है अगले 10 साल में हम लोग है जो करीब 10 से 15 नए सीड गार्डन और लगाए, तो ये सारा जो डेवलपमेंट अगर हम 2030 तक देखते हैं तो हमारा टारगेट ये है कि हम सेल्फ सफिशियंसी इन प्लांटिंग मटेरियल तो नहीं लेंगे, और उसके साथ साथ फायदा ये रहेगा कि ये भारत में ही है जो सीड गार्डन लग रहे हैं। भारत में अलग अलग तरह की जलवायु भी है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, कर्नाटका की अलग है, तेलंगाना की अलग है, आंध्र की अलग है, तो ये अलग अलग जगह पे सीड गार्डन लगेंगे, अलग अलग जगह पे इनका पेरेंटल मटेरियल का है जो हम इवेल्यूशन करेंगे और उसे सेलेक्ट करके जो हम सीड बनाएंगे तो ये गार्डेड परफॉर्मेंस वाला मटेरियल तैयार हो जाएगा पूरे भारत के लिए, और हम 2030 तक है जो नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंसी लाने की सोच रहे हैं बल्कि हो सकता है एक्सपोर्ट भी करें। जी बिल्कुल, ये तो आगे प्लांटिंग मटेरियल के बारे में, जिसके बारे में इस एनएमई ऑयल पाम के अंदर काफी अच्छे से है जो प्लानिंग किया हुआ है। बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं भले ही अभी स्थिति हमारे लिए हम देखते हैं जो आयात हमें करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति है ये विपरीत हमें नजर आएगी, इसका जो निर्यात है वो जाहिर तौर पर हम कर सकेंगे। विपुल जी, और किस तरीके से जो नीतियां हैं ये और प्रभावकारी होती हमें दिखाई देंगी अगर प्लांटिंग मटेरियल की हम बात करते हैं, या खासतौर से जैसा कि रवि जी ने जिक्र किया सीड गार्डन का जिक्र किया, किस तरीके से और प्रभावी होंगे? इस योजना के तहत जो प्लांटिंग मटेरियल है उस पर 29,000 और 22,000 रुपये का प्रावधान है। जी, तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है वो काफ़ी 8 से 10,000 रुपये का फर्क है। उस फर्क के कारण हमारा जो इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल है वो कम हो जाएगा और वो इम्पोर्ट लोड भी हमारे ऊपर कम पड़ेगा। जी, ये एक है। तो जो गार्डन है, सीड गार्डन, और उसके साथ साथ सीड नर्सरी भी है। तो सीड गार्डन के लिए इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 1 करोड़ रुपए और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 80 लाख रुपए का प्रावधान है। जी, इसी तरह सीड नर्सरी के लिए जो है सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 50 लाख और जो है सो 40 लाख अन्य राज्यों के लिए है। तो ये इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो अभी ऑयल पाम की खेती के लिए नर्सरी के अभाव में पौध के अभाव में हम बाहर से पौध मंगाते हैं और उस समय से हमारे देश में पहुंच नहीं पाता है, प्लस उसके क्वालिटी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है, प्लस उसका प्लांट क्वारंटाइन वगैरह के लिए हमें वेट करना पड़ता है, तो उन तमाम जो असुविधाएं हैं उस पर जो है सो सीड नर्सरी और सीड गार्डन के द्वारा उस पर नियंत्रण हो जाएगा। भ्रांतियों में एक बात और भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये केवल जलवायु से संबंधित और वाटर से संबंधित नहीं है, इस योजना के प्रावधान में इतनी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं कि देखिए, ये अगर बायोमास मिल रहा है, फैक्ट्री के बायोमास मिल रहे हैं,
तो ये केबल जो है सो बहुत सारे इंडस्ट्री को भी केटर करता है, ये जो है सो वनस्पति को, ये सोप इंडस्ट्री है उसको, और इस तरह से जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है। तो तेल तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ तमाम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी ये जो है सो ये तेल केटर करता है। आप तमाम बिस्कुट खाते हैं, ये सभी जो है सो ऑयल पाम की जो है सो पाम ऑयल तेल के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है जी। और ये बेहद जरूरी, क्योंकि जो किसान है, अनुपम जी आपको भी जानकारी होगी इस बात की कि इसके जरिए जो अलग अलग उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, पहले किसानों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी भी शायद हमारे देश में ऐसे संख्या ऐसे किसानों की ज्यादा होगी जिन्हें जानकारी नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है। हाँ, ये सही बात है, पाम ऑयल का जो जानकारी है ये काफ़ी भी हमारा देश में कम है, क्योंकि जो जो किसान पाम ऑयल से जुड़े हैं जी वही किसान थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि हमारा फलन कैसे कितना ज़्यादा होगा, उसके बाद ये तेल कहाँ यूटिलाइज हो रहा, कैसे यूटिलाइज हो रहा, कितना परसेंटेज यूटिलाइज हो रहा, उसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर जानकारी रखते हैं कि ये तेल हमारा देश के लिए ही जी हम उगा रहे हैं और ये फैक्ट्री में प्रोसेस होने जाते हैं जी, और फैक्ट्री के साथ एक फसल ऐसा है जो फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि कभी भी कोई फार्मर को, अभी भी हमारा कोई फार्मर को कोई परेशानी नहीं हुआ कि हम फसल उगा लिया और हमारा फसल कोई खरीदा नहीं गया है। और परेशानी शायद जो भोक्ता उनको भी नहीं हुई जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से भ्रांति फैला दी गई स्वास्थ्य के लिए, वो भी इस्तेमाल नहीं होता। तो एक इंडस्ट्री के साथ इतना क्लोज रिलेशन में इसका खेतीबाड़ी होता है कि फार्मर को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि फैक्ट्री वाले ने इसको हमारा जो FFB है, फ्रेश फ्रूट ब्रांच है, वो खरीद लेके जाते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, और उनको एक एक्ट के माध्यम से एक विदिन 7 डेज और 15 डेज के अंदर उनको पैसा भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कोशिश। कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये इस योजना में जैसे कि जो एनुअल क्रॉप्स हैं, सरसों हैं या सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, तो इसमें एक राइडर लगा हुआ है कि किसान को सहायता 2 हेक्टेयर तक का मिलेगा जी। लेकिन ऑयल पाम की खेती के लिए किसान के ऊपर कोई राइडर नहीं है, तो वो अगर किसान के पास होल्डिंग अगर 50 हेक्टेयर का है, 100 हेक्टेयर का है, 200 हेक्टेयर का है, तो उन पूरे एरिया में इसका लाभ किसान ले सकता है जी। और आप माथुर साहब का एक याद करेंगे तो ये ऐसा एक कंटिन्यूअसली अगर प्लांटेशन होता है तो एक ऐसी फॉरेस्ट लाइक कैनोपी तैयार होती है जो इन्वायरमेंट को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है जी। बिल्कुल, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जंगलों के कटाव की बात सामने आती है, और ऐसी स्थिति में अगर हम और कोशिश में यही है कि जो वानिकी है उसको भी और बढ़ा सकें। रवि जी, इस बाबत आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ जो वानिकी है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि जो भ्रांतियाँ जुड़ चुकी हैं स्वास्थ्य के प्रति भी अगर देखा जाए, किस तरीके से जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक जो डर है उनके जहन में भी बैठ सकता है, आवश्यकता यही कि सही जानकारी जो है वो उपभोक्ता तक पहुँचे और किसानों तक पहुँचे। इसमें मैं आपको ये जो थोड़ा पाम ऑयल के बारे में जो भ्रांतियां हैं जी और इसके क्या क्या फायदे हैं, मैं थोड़ा सा इसका जो आपके बारे में इसको बताना चाहूंगा। आप जैसा सभी जानते हैं पाम ऑयल जो है दैट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई जी। अब आपको विटामिन ए के बारे में पता है, ये जो आई साइड से जुड़ा हुआ है और ये जो इसका जो ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, और इनिशियल जो 30% जो हमारी पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन ई, तो ये तो विटामिन ए में रिसोर्स है। दूसरा जो विटामिन ई कहते हैं उसमें दो तरह का है, जैसे टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइनोल जी। पाम ऑयल जो है दिस इज रिच सोर्स ऑफ टोकोट्राइनोल एंड टोकोफेरोल, और ये टोकोट्राइनोल है ये सिर्फ पाम ऑयल में पाया जाता है जी। अब इसका फायदा मैं आपको बता दूं, इसका फायदा ये रहता है कि आपका कोई भी जो कोरोनरी एलिमेंट है जो होने के चांसेस नहीं रहते हैं जी। ठीक है, सेल्फ लाइफ भी इसकी ज्यादा रहती है, एंड इट प्रोटेक्ट इवन फ्रॉम द सेलुलर एजिंग। तो ये जो भ्रांति है कि इससे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये तो जो ये प्रोग्राम देख रहा था, मैंने अटेंड भी किया था जी, उसने बोला घोड़ा जो है वो पत्थर बन जाएगा, तो ये इस टाइप की भ्रांतियां जो है वो बहुत ही गलत तरीके से बताई जा रही है, जो कि साइंटिफिकली भी सही नहीं है, प्रैक्टिकली भी सही नहीं है। हम इसके साथ साथ आपको और बता दूं कि जैसा है जो विपुल जी ने बताया है कि इसमें फैटी एसिड जो होते हैं जो है जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो लगभग बराबर रहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑलिक एसिड रहता है जो फूड पर है,
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंदर भी जो अगर बात करते हैं पामिटिक एसिड की, सो पामिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड जरूर है बट इट बिहेव्स लाइक ए मुफा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो आप ये देख लीजिए कि अगर आप 95% ऑयल पाम ऑयल का कंपोजिशन देखते हैं सो इसका कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जब तक ट्रांसफैट की बात की जाती है, ट्रांसफैट जो है दूसरे तेल में और इसके तेल में लगभग बराबर या लगभग इस पर थोड़ा कमी मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जी, इट इज रिच सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स ऑल्सो लाइक यूबिक्यूलम्स इसका, और ये सारे जो है ये दोनों जो कंपोनेंट्स रहते हैं दे आर एंटी कैंसरस। ये जो एंटी जो सेल्स होती है ट्यूमर सेल्स होती है उसको डिस्करेज करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर आप पाम ऑयल की बात करते हैं जैसा बारिक साहब ने भी बताया है कि ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल टाइप के जो है उसको डिस्करेज करता है, उसको ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो आपको ये राधर है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन ये सारी जो प्रांतियां है वो पाम ऑयल से जुड़ी हुई है जो कि सही नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और साइंटिफिक इसका बेस बताना चाहूंगा, फाइटोस्टेरॉल्स, ये जो फाइटोस्टेरॉल्स जो है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, व्हाट दे डू रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्प्शन एट द सेम टाइम दे रिड्यूसेस द एलडीएल अब्सॉर्प्शन, और इसके साथ साथ जो आपका हार्ट की जो रिलेटेड बीमारियां हैं उसके जो चांसेस को बहुत कम करता है। सब ने बता रखा है बढ़ा देता है लेकिन ये सही नहीं है। आज मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने पूरे उपभोक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि पाम ऑयल का कंजम्पशन जो है, पाम ऑयल की जो क्वालिटी है वो शरीर के लिए कहीं भी नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल, और हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि पाम ऑयल की अगर बात की जाती है, यूं ही नहीं, इसके एक सरकार ने इसको मिशन मोड में अपनाया, एक नीति बनाई, पूरी जांच के बाद इस तरह के नतीजे पर सरकार पहुंचती है और वाकई हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी पूरा समय जाता है, कई वर्ष जाते हैं उसके अनुसंधान और शोध में। और जैसा कि यहाँ रवि जी हमें बता रहे थे, चाहे हम हृदय रोग की बात करें, कैंसर जैसी घातक बीमारी की बात करें, तो वहाँ भी जो पाम ऑयल है हमें फ़ायदा दे सकता है। इससे किसी तरह का नुकसान हमारी सेहत को नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य को नहीं होगा, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और लाभकारी है किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए भी। आने वाले समय में किस तरीके से इसको और बढ़ावा हमारी सरकार देने जा रही है, कैसे और जो बाजार है वो और इससे मजबूत होता नजर आएगा किसानों के लिए, इस बारे में भी हम अपने चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहाँ से पाएं फॉर्म, कहाँ करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहाँ होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल के बारे में, इसको लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं और साथ ही समाधान क्या है। भ्रांतियां यानी जो कई अपवाद बातें हैं, झूठी बातें हैं, वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए उनकी आप जड़ों तक पहुँचे, हकीकत जाने, तो शायद उस तरह की कोई बात होती ही नहीं। और आपको वाकई जो वैज्ञानिक आधार है वो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने एक पूरी तरीके से नीतिगत तैयारी की है इसके लिए, पाम ऑयल मिशन के लिए, और अब जाकर हम देखते हैं जो उसके परिणाम है वो कितने सकारात्मक हमें नजर आ रहे हैं। पहले हम देखते थे सिर्फ हमारे दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, तो वहां पे सिर्फ जो किसान हैं वो इसकी खेती करते थे, लेकिन अब अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती जो है वो शुरू होने जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप जान सकते हैं किस तरीके से गुणवत्तायुक्त पाम ऑयल जो है वहां से भी अब हमारे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन विपुल जी, अगर देखा जाए ना, सिर्फ जो भ्रांतियां हैं वो तो जुड़ी, लेकिन आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए किसानों के लिए काफी लाभकारी है, स्वास्थ्य के लिए तो है ही। तो आपने ठीक ही पूछा, ये 3 जॉ जलवायु जी, जल और जीव जंतु जी, इससे पाम ऑयल की खेती से कोई सुरक्षा है। मिलता है। नंबर एक, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत मंथन के बाद जो इंडस्ट्री है और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज है, सभी से बृहत मंथना के बाद इस योजना का शुभारंभ किया गया जी। इस योजना में केवल हमारा किसान का
जो तेल से अधिक उत्पादन करना तो लक्ष्य है ही, जिससे कि हम देश आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इससे किसान की आमदनी को दुगुना करने का जो लक्ष्य है वो भी पूर्णतः सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, ये देश जो है सो बेरोजगारी के जो एक दौर से गुजर रहा है, ये इसमें इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, पत्तों को काटना, सेल फूल फल को काटना, फल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इंडस्ट्री में जो है सो जो बायोमास क्रिएट हुआ उससे छोटे छोटे इंडस्ट्री को, तमाम जो है सो फार्मास्यूटिकल कंपनी रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा हो सकेंगी, व्यापक संभावनाएं, और छोटे छोटे ग्रुप में सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए तो शायद जो है सो स्थानीय स्तर पर जहां पर के आयल पाम की खेती की जाती है वहां पर इस तरह की तमाम समस्याओं का स्वतः निराकरण हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए कैसे समाधान जो है वो हो सकता है, ना सिर्फ भ्रांतियों का बल्कि जो वाकई समस्याएं चली आ रही हैं। अनुपम जी आपसे जानना चाहेंगे, हम जिस तरीके से अभी विपुल जी ने जिक्र किया जो अपार रोजगार की संभावनाएं यहाँ नजर आ रही हैं, एक वक्त था जब हमने देखा किस तरीके से बेरोजगारी जो है या जो युवा हैं उनका कृषि से उनकी रुचि उतनी नहीं होती थी, लेकिन हमने देखा सरकार ने ना सिर्फ कोशिश की जो युवा हैं वो अब ज़्यादा रुचि लें कृषि में, और खासतौर से रोजगार की संभावनाओं की अगर बात की जाए क्या स्थिति आप देख सकते हैं पाम ऑयल से जुड़कर? देखिए पाम ऑयल का रोजगार के बारे में, पाम ऑयल का तो काफ़ी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और उसका जो लाभ आता है, हालांकि वो चार साल बाद किसान को लाभ आना चालू होता है, पहले चार साल उसका गेस्टेशन पीरियड रहता है, लेकिन चार साल के अंदर भी जैसे माथुर साहब ने बताया कि हम काफ़ी अंतर्वर्ती फसल करके उसका लाभ ले सकते हैं, तो हम लोग का एक हिसाब से देखा जाए कि दूसरे फसल के हिसाब से ऑयल पाम का खेती से भी फार्मर को काफ़ी लाभ आ सकता है। जी काफी लाभ मिल सकता है, साथ साथ उनका अंतर्वर्ती फसल में पहले चार साल में भी काफी लाभ आ सकता है। जी, और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका सरकार का भी जैसा ज़्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है, उस स्टेट्स में भी हम लोग देखे हैं कि उधर नॉर्मल खेती करने के लिए कंजीलियन नहीं है, क्योंकि हिली टेरेन है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा हिसाब से, तो उसको देखते हुए बाकी फसल के तरफ से के अंतर से पाम ऑयल सबसे अच्छा फसल साबित हो सकता है। जी, एक बेहतर विकल्प हम मान सकते हैं बेहतर क्षेत्रों के लिए भी। के लिए जी विपुल जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर बारिक ने आपको बतलाया कि प्रारंभ के जो 3 से 4 वर्ष हैं जी, इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सरकार ने किसानों के स्वास्थ्य को माने उनके इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ के 3 से 4 वर्षों के लिए 42,000 रुपया अन्य राज्यों के लिए और 50,000 रुपया नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रावधान किया है। एक बात डॉक्टर माथुर ने आपको बतलाया कि उन्होंने जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को डेवलप किया है उसमें आप देखें कि जो पाम ऑयल और उसके साथ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, तो जो जिंजर है उनका पर केजी देखिए कि जिंजर आपको जो है सो 300 रुपये 400 रुपये, गेहूं बेचेंगे तो आपको जो है सो 30 रुपये 40 रुपये मिलेंगे, चावल बेचेंगे तो ठीक इसी तरह की राशि मिलेंगे, लेकिन अगर आप जिंजर बेचते हैं, हल्दी बेचते हैं, ब्लैक पीपर बेचते हैं, तो इस तरह का जो क्रॉपिंग पैटर्न डॉक्टर माथुर ने डेवलप किया है उससे किसानों को आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना लाभ होगा। जी बिल्कुल, तो लाभ इसके जरिए किसानों से यही आग्रह करते हैं कि ये भारत सरकार द्वारा जो ये स्वर्ण मणि जो ये जो योजना है इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जी, किसानों को पूरा लाभ देखिए इसका उठाना भी चाहिए। रवि जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें, किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे जुड़ सकें और ना सिर्फ खाद्य तेलों में जो आत्मनिर्भरता है वो आए बल्कि किसान की आमदनी जैसा आपने कहा ना सिर्फ दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ पाए? इसमें मैं 2-3 पॉइंट में जो थोड़ा इसको सम अप करना चाहूँगा। जैसे इंटरक्रॉपिंग की बात किया है, शुरू के 4 साल में हमने ये रिकमेंड किया कि आप जो इसमें ऑयल सीड्स लगाइए, सो ऑयल पाम ऑयल सीड्स इन ऑयल पाम था, आपको जो ऑयल सीड्स का जो एरिया है करीब ऑयल पाम अगर आप साल का 1 से 1.5 लाख हेक्टर पर ईयर अगर एक्सपांसन होता है तो उतने ही एरिया आपको ऑयल सीड्स के लिए भी मिल जाता है। सो जो भी लोकल ऑयल सीड्स है जैसे तेलंगाना की आप मान लीजिए ग्राउंडनट ले रहे हैं, सनफ्लावर ले रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में मस्टर्ड ले रहे हैं तो वो आराम से ले सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल फायदे हैं ऑयल पाम को ऐड करने के लिए। सेकेंड थिंग इसमें क्या है, जैसे यूथ अभी मैं तेलंगाना के जो
एरिया में जो जहाँ पर नया नया लगा रहे हैं या जो नया पंप लगाना चाह रहे हैं लगा हुआ है, मैं सर्वे में गया था, मैंने फार्मर से इंटरेक्ट किया, यूथ से इंटरेक्ट किया, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो यूथ है देश वुड बी रिटेन इन एग्रीकल्चर, देश वुड बी अट्रैक्टेड इन एग्रीकल्चर, तो वो जो हमने यूथ से जो डिस्कशन किया तो इतना उनमें इंथुजियाज्म दिखा, क्योंकि इसके अंदर फायदा ये है कि ऑलमोस्ट हाईटेक टाइप हो गया कल्टीवेशन, आप एक बार पौधे लगा दीजिए, ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए, पानी है जो ड्रिप से दीजिए, फर्टिलाइजर आप है जो ड्रिप सिस्टम जो फर्टिगेशन के थ्रू दे दीजिए, और आपका जो प्राइस है वो प्राइस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसमें जो कंपनी वाला अपना जो रोल नहीं प्ले कर सकते कि मैं नहीं दूंगा या दूंगा, और बात नहीं, यानी बाहरी बाजार की कोई मनमानी जो है वो नहीं चलेगी, किसानों को कंपनी खरीदेगी जी बिल्कुल, किसानों को पूरा लाभ जो है वो इसके जरिए मिल सकेगा, और ये लाभ देखिए किस तरीके से और बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ना सिर्फ हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें बल्कि खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की भी अगर बात की जाए, प्रयास अब हर जगह किए जा रहे हैं, और ये हम आखिर में विपुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, डॉक्टर माथुर ने यूथ की चर्चा की है जी, कि आयल पाम के खेत में यूथ का कितना सहयोग है, आप देखिए कि रोजमर्रा के दिनों में आप मशरूम की खेती करते हैं तो मशरूम के खेती के लिए बहुत बड़ा बायोमास की जरूरत होती है जी, और आयल पाम इसका एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है। इसी तरह से फर्नीचर्स आप देखते हैं तो ट्रंक जो ट्रंक है उसका या उसकी जो टहनियां मोटी टहनियां हैं उनका जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो सारे यूथ जो यंग जेनरेशन के लोग हैं जो फर्नीचर के धंधा कर रहे हैं उनको बहुत ही सस्ते दाम पर जो है सो ये मटेरियल उपलब्ध हो जाता है जी। फिर इसी प्रकार फर्नीचर्स को देखें, फिर उसकी तरह फाइबर्स, उसके जो छोटे फाइबर्स हैं उससे भी जो रस्सियां और तमाम जो है बाई प्रोडक्ट्स जो है सो बना रहे हैं, यानी ये बड़े फायदे हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें माने किसान जो यंग जेनरेशन के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और उनका इनकम भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो आमदनी है वो बढ़ रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाम ऑयल मिशन जो सरकार लाई है इसमें कितनी सारी संभावनाएं हैं, और उन हर एक संभावनाओं को अब प्रयास ये किया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में और बेहतर ढंग से इसकी जानकारी जो है, जागरूकता जो है वो फैलाई जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन से जुड़कर इससे लाभ ले सकें। फिलहाल आज आप सभी ने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। रवि जी आप भी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही स्टूडियो में दोनों विशेषज्ञ हमारे, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से आभार मैं यहाँ करना चाहूँगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि देखिए जब भी किसी विषय को लेकर आपके सामने हम हाजिर होते हैं उसकी किस तरीके से जानकारी दी जाती है, और आज का जो विषय जैसा हमने आपको बताया पाम ऑयल मिशन को लेकर कई तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो जुड़ जाती हैं, जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से वही सच हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ जो भ्रांतियाँ हैं उन पर विश्वास मत कीजिए बल्कि जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश कीजिए, और जब सरकार आपके लिए कदम आगे बढ़ा रही है तो उस कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा और लाभ अर्जित करना होगा। आपको बता दें आप विचार विमर्श कार्यक्रम को अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, साथ ही इससे पहले भी जो प्रसारित हुए हैं कार्यक्रम उनको भी आप देख पाएंगे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, और ये आप कभी भी कहीं भी अब अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।